हाँ तो बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक कविता पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। तो कविता का नाम है, बहुत छोटा नाम है, इफ एंड द पोयम वॉज, बट द पोयम इज। वॉज क्यों? इज। द पोयम इज कंपोज्ड बाई रडियार्ड किपलिंग। रडियार्ड किपलिंग के द्वारा बच्चों कविता को लिखा गया है। मैंने आपको कहा था कि रडियार्ड किपलिंग वही है जिन्होंने जंगल बुक, मोगली की कहानी वगैरह लिखी है। टीवी के ऊपर आप उनके इसके जो एपिसोड्स वगैरह है वो देखते हैं, अवेलेबल हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट द पोयम। देखो बच्चों, आधी कविता मैंने पढ़ाई थी आपको, आधी है ना, और उसके बाद जो है समय लग गया, तो समय लग गया तो लग गया। अब अपन बच्चों देखते हैं, इस पोयम का पहला पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया, इस पोयम का दूसरा पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड पैरा ऑफ द पोयम एट पेज नंबर 85 इन योर टेक्स्ट बुक इनसाइट। क्लियर हो गया है? आपकी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम इनसाइट है की पृष्ठ संख्या 85 के ऊपर इस कविता का दूसरा अवतरण मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इफ यू कैन वन, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स। कवि कहता है बच्चों, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि आप अपनी छोटी छोटी लब्धियों को मिलाकर, बच्चों एक लब्धि यह है आपकी, एक लब्धि यह है, एक यह है, एक यह है, आप सबको मिलाकर के इनकी एक बॉल बनाओ। क्या बनाओ? सबको मिलाकर के इनकी एक बॉल बनाओ। बॉल माने कंदुक बनाओ। क्या बनाओ? कंदुक बनाओ, ठीक है। हीप का मतलब बच्चों ढेर होता है, ध्यान दो, एच ए पी, हीप यानी क्या होता है? ढेर होता है। आप अपनी जितनी भी जो लब्धियां हैं, ठीक है बच्चों, तो आपकी जितनी भी जो लब्धियां हैं उन तमाम लब्धियों को, जिसको बच्चों आप अंग्रेजी में कहते हो विनिंग्स, क्या बोलते हो? विनिंग्स का मतलब होता है बच्चों आपकी लब्धियां, या यूं कह सकते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स, आपने जो कुछ अचीव किया है, तो किसी ने किसी अन्य क्षेत्र में किया है, आपने एक काम इस क्षेत्र में किया, दूसरा काम उस क्षेत्र में किया है, तो तमाम क्षेत्रों को मिलाकर ये जितने भी स्फेयर्स हैं उन सब को मिलाकर के बच्चों आप क्या करो? एक बहुत बड़ा ढेर बनाओ। क्या बनाओ? एक बहुत बड़ा ढेर बनाओ। तो बताया गया है कि इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, इफ यू आर एबल टू, कैन का मतलब क्या होता है? इफ यू आर एबल टू मेक ए हीप ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स, यदि आप अपने तमाम अचीवमेंट्स का क्या बना सकते हो? एक हीप बना सकते हो। ध्यान दो बच्चों, एक हीप होता है, एक हीप होता है। तो ये जो हीप है बच्चों, इसका मतलब तो बताया मैंने आपको ढेर, इसको अंग्रेजी में पाइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाइल, ठीक है। ये जो हीप है बच्चों, दिस इज ए पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ये तो हमारे शरीर का एक अंग है, और बच्चों आप इसको अंग्रेजी में, हिंदी में आप इसको नितंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? नितंब, ठीक है। और अंग्रेजी में बच्चों इसको कहते हैं बी यू डबल टी ओ सी के बटक, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स, ये बच्चों नाउन है, ये जो नीचे वाला हिप दिया ये नाउन है, ऊपर वाला भी नाउन है, लेकिन ऊपर वाला कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, और नीचे वाला तो बच्चों दिस इज द नेम ऑफ, दिस इज द नेम ऑफ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, अर्थात हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन अंगों में से एक अंग का नाम क्या है? हिप है, जिसे आप अन्यथा बटक कहते हैं, बटक कहते हैं, और हिंदी में आप उसको नितंब कहते हैं। अपनी बात को आइए लेता हूं। इफ यू आर एबल टू मेक ए पाइल ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स, यदि तुम अपनी समस्त उपलब्धियों का एक ढेर बनाने में समर्थ हो, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और बच्चों फिर क्या है, आपने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है, माना कि वो मधु का प्याला था, तुमने तन मंदिर डाला था, तो बच्चों आपने इस जीवन में जो कुछ हासिल किया है, जितनी उपलब्धियां तुम्हारे पास है, यदि आप उन तमाम उपलब्धियों का क्या बनाओ? एक ढेर बनाओ। ये ढेर पड़ा है, और अब चलेगा जुआ। आप जानते हो युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में जुआ चला था। युधिष्ठिर ने अपनी तमाम उपलब्धियां, जिनमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, सबका एक ढेर बनाया, और बच्चों फिर क्या खेला गया? पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस का मतलब जानते हो? एक रुपये का सिक्का लेते हो और उछालते हो उसको, और आप जानते हो उसके दो साइड होते हैं, तो एक साइड तो पैसे होते हैं, दूसरी तरफ वो भारत का चिन्ह बना देता है,
तो बच्चों मेरा कहने का मतलब यह है कि, और आप करते हो कि साहब इधर वाला आ गया तो मैं जीता, उधर वाला आ गया तो तू जीता, इसे बाजी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? इसे बाजी कहते हैं। एक ही बाजी में आप दाव पर लगा देते हो अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों का ढेर। एंड इफ यू स्टेक, ये बच्चों शब्द है, स्टेक का मतलब होता है किसी चीज को दाव पर लगाना। एंड इफ यू स्टेक द हीप ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स, अगर आप अपने जीवन की तमाम जो उपलब्धियां बच्चों उसको एक ही बाजी में क्या कर देते हो, एक ही बाजी में दाव पर लगा देते हो, एंड यू रिस्क इट, और आप इसकी जोखिम उठा लेते हो, आप इसको रिस्क का मतलब बच्चों स्टैक, और अगर आप एंड इफ यू स्टैक इट, और अगर आप इसका दाव लगा देते हो, वन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस मैंने बोला सिक्का उछालने की प्रक्रिया, जो एक जुआ है, वो एक जुआ है बच्चों। तो और बच्चों और जुए के एक टर्न के ऊपर कौन सा टर्न आ रहा है, इधर वाला आ रहा है कि उधर वाला आ रहा है, और बच्चों इसी टर्न के ऊपर आप क्या कर देते हो, अपने जीवन की तमाम लब्धियों के ढेर को दाव पर लगा देते हो। और मजे की बात यह है बच्चों कि तुम जीत जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि तुमने अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों की पहले गेंद बनाई थी, और उस गेंद को बच्चों एक सिक्के का जो उछालना है, उस सिक्के के उछाल के ऊपर उछलने और गिरने की जो प्रक्रिया है जिसको आप पिच एंड टॉस कहते हैं, उस प्रक्रिया के ऊपर आपने दाव पर लगा दिया, बाजी का खेल देखो बच्चों, आप हार गए, आप हार गए। अब बच्चों आप हार गए तो आप क्या करोगे, आप रोओगे, चिल्लाओगे, बार कूटा करोगे। पर बच्चों कभी अपने बेटे को यह समझा रहा है कि पहली बात तो जिंदगी में इस तरीके की जोखिम उठानी नहीं चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता आन पड़े तो उठानी भी चाहिए, क्योंकि ये धन दौलत किसके लिए है, ये बच्चों इसीलिए तो है कि जब आवश्यकता आन पड़े तो हम इसकी क्या उठा सके, जोखिम उठा सके, हम इसको दाव पर लगा सके। जब आपकी इज्जत आबरू का सवाल आ जाए तो तमाम चीजों को आपको दाव पर लगा देना चाहिए, और अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे, क्योंकि खेल तो पूरा भाग्य का है, ये खेल है नसीब का, ये तो नसीब का खेल है, और इस नसीब के खेल में बच्चों अगर आपकी पराजय होती है, अगर आप हार जाते हैं, तो कभी कहता है कि दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह चली आंधी की, जग में छा गया सहसा अंधेरा, धूली दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, किंतु प्राची में उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर अगर आप तमाम उपलब्धियां खो देते हो, जैसे पांडवों ने क्या किया बच्चों, सब कुछ खो दिया, लेकिन जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वो ईशोरमा निकलते हैं, तो जब पीसा जाता इक्षु दंड तो बहती रस की धार, प्रचंड मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। उन्होंने नए सिरे से क्या किया बच्चों, उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया, अभिनव पहल की उन्होंने अपनी जिंदगानी में, उन्होंने एक अभिनव पहल, आई मीन एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की, और बच्चों उन्होंने अपना खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त किया। आप महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ते हैं, जब अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया बच्चों, कहते हैं 30,000 निर्दोष मेवाड़ियों को मार डाला उसने, राणा प्रताप के पास कुछ नहीं बचा, खाने के लिए अन्न नहीं बचा, इसीलिए कहते हैं हरे घास री रोटी ही जदबन बिलवड़ो ले बाजो, नानू सो मरियो चीख पड़ियो राणा रोसो दुख जाग्यो। लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमारे राणा प्रताप ने अपना हौसला नहीं खोया, उन्होंने दुगनी ताकत से अपनी सेना को इकट्ठा किया और अकबर को चित्तौड़ से भगा दिया। चित्तौड़ तो खैर वो नहीं जीत पाए, कहते थोड़ा मांडलगढ़ भी नहीं जीत पाए, बाकी करीब करीब उनके द्वारा अकबर ने जितने किले उनसे छीने थे उन तमाम किलों को उन्होंने फतेह किया। राणा प्रताप सन 1597 में मर गए, अगर ऐसा नहीं होता, उनकी असामयिक मृत्यु नहीं हुई होती, तो संभवतः वो मेवाड़ से अकबर को पूरी तरह खदेड़ने में समर्थ होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। ताली बजाने लायक बात है बच्चों, है ना, तो इस बात पे सबको ताली बजानी चाहिए, और महाराणा प्रताप का तहे दिल से आप पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने अपना जीवन का सब कुछ दांव पे लगाया, पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, उसी प्रकार से अगर जिंदगी में कभी ऐसी नौबत आन पड़ेगी तुमको अपने जीवन की तमाम लब्धियों की एक गेंद बना करके या ढेर बना करके उस पूरे ढेर को दाव पर लगाना पड़ जाए, और किस्मत के फेर की वजह से यदि तुम हार जाओ तो भी दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं।
I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है, हम जिंदगी में बच्चों एक लड़ाके होते हैं, एक योद्धा होते हैं, हम सदैव एक जंग करते हैं, इस बार करेंगे आखिरी जंग, लेकिन सबसे अच्छी जंग कामयाब होने के लिए लड़ेंगे, इस बार हम हारने के लिए नहीं लड़ेंगे, ठीक है? And lose and start again at your beginnings. और बच्चों, अगर आपका दिल इतना मजबूत है कि आप अपना सब कुछ खो देने के बावजूद निराश नहीं होते हो, हताश नहीं होते हो, बल्कि क्या करते हो, नए कंकड़ पत्थर लेकर के नई कुटिया का निर्माण करते हो, क्योंकि जो महल तुमने बनाया था, जो अरमानों का महल था तुम्हारे, वो बच्चों अरमानों का महल क्या हुआ, वो तो बर्बादियों की भेंट चढ़ गया, लेकिन उसके साथ आपको बर्बाद नहीं होना है। आपको बच्चों क्या है, क्योंकि इस बात को अच्छे से समझ लो कि जो सृजन होता है, जो निर्माण है बच्चों, उसको कभी भी विनाश की आंधियां रोक नहीं सकती है। निर्माण की प्रक्रिया, सृजन की प्रक्रिया सतत होती है, और आपको क्या है, आप मनुष्य हैं, आप इस परंपरा के सच्चे वाहक हैं, आपको इस परंपरा का सच्चा वाहक होना चाहिए। तो बताया गया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद एट योर बिगिनिंग अर्थात शुरुआत से फिर आप नवीन सृजन में प्रवृत्त हो जाते हैं, नवनिर्माण करने में आप पुनः संलग्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बींग अ परफेक्ट मैन, तुम एक पूर्ण पुरुष बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हो, तुम बिल्कुल सही दिशा में अग्रसर हो रहे हो। तो बच्चों ये देखो, पुनः आपको क्या करना चाहिए, शुरुआत से जो है अपना निर्माण शुरू करना चाहिए। तभी तो बच्चों मैंने बच्चन की कविता सुनाई थी, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अगर बच्चों महल टूट जाए तो टूटने दो, हमको पुनः क्या करना है, ईंट पत्थर कंकड़ों को जोड़ करके फिर से जो एक नई कुटिया बनानी है। इस जीवन का नाम ही बच्चों संघर्ष है, जिंदगी का नाम ही क्या है, संघर्ष है। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। और बच्चों, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अपने जीवन में सृजन की प्रक्रिया से अपना स्टार्टिंग पॉइंट अर्थात उसका जो शुरुआत का बिंदु है, वहां से आप पुनः सृजन की प्रक्रिया करने में संलग्न हो जाते हैं, और आपको जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसके बारे में आप उफ तक नहीं कहते हैं। आपको पता है बच्चों, पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान किया था, वो उसके जीवन की तमाम उपलब्धियों का एक ढेर था, उन्होंने अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों को एक ही सांस में, एक ही पल में खो दिया, मगर उन्होंने उफ तक नहीं कहा। इसलिए हम पन्ना धाई को महान माता कहते हैं, वो महान माता थी, उन्होंने अपने बेटे का बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने शिकवा नहीं किया, उन्होंने गीला नहीं किया। तो बच्चों, कोई शिकवा अगर हो और कोई गीला हो, तो न शिकवा करना है, न गीला करना है, कुछ भी नहीं करना है, और क्या करना है, पुनः नवीन सृजन में प्रवृत्त हो जाना है, नवनिर्माण की प्रक्रिया में पुनः अपने आप को संलग्न करना है। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू। अब बच्चों, नर्व एंड तो जानते हो, नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, मांसपेशियां वगैरह होती है, ठीक है? और ये जो सिन्यू है बच्चों, क्या है, ये पेशियां हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, इसका मतलब ये बच्चों, अगर आप अपने दिल को फोर्स कर सकते हो, अपनी नसों को पेश अपनी नसों को फोर्स कर सकते हो, और अपनी जो मांसपेशियां हैं, अपने मसल्स अर्थात आपकी जो पेशियां हैं, शिराएं, उन शिराओं सबको आप क्या कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो अर्थात बाध्य कर सकते हो, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, यानी लॉन्ग आफ्टर दे आर एग्जॉस्टेड, जबकि आपकी मांसपेशियों में ताकत कम हो जाती है, जबकि आपका दिल कमजोर हो जाता है, कम धड़कना चालू कर देता है, या बहुत स्पीड से धड़कने लग जाता है। तो इफ यू कैन फोर्स देम, अगर आप उनको फोर्स कर सकते हो, तो सर्व योर टर्न, कि वो क्या करें, आपके हुक्म की ताबेदार हो, आपका दिल आपका हुक्म माने, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर की तमाम ज्ञानेंद्रियां आपके आदेश पर चले, आपकी हुक्म की ताबेदार हो। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि आप अपने पूरे शरीर तंत्र को यदि अपने वशीभूत रख सकते हो, अपनी तमाम ज्ञानेंद्रियों में से किसी को भी अपने ऊपर हावी न होने देकर सबको अपने दिमाग के अधीन रख सकते हो, अगर आप ऐसा कर सकते हो, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और बच्चों लगे रहो, होल्ड ऑन यानी होता है और लगे रहो, कब, व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब आप में कुछ नहीं बचता है,
जब आप में ताकत बाकी नहीं रहती है, जब आप में हिमाकत बाकी नहीं रहती है, ताकत शेष नहीं है, हिमाकत शेष नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, एंड स्टिल यू कैरी ऑन, और तो भी आप क्या करते हो, लगे रहो। तभी आप अगर अपने काम में मशगूल रहते हो, अपने काम में मशरूफ रहते हो, लगे रहते हो, एक्सेप्ट द विल विशेष टू देम फॉल डाउन, एक्सेप्ट द विल यानी उस इच्छा के अलावा, उस इच्छा के अलावा विशेष टू देम फॉल डाउन यानी आपके पास कुछ नहीं है, हिम्मत आपके पास नहीं है, साहस आपके पास नहीं है, है तो केवल एक क्या है बच्चों, एक विल है, एक विल का मतलब इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो बार बार अपने शरीर की थकी हुई ज्ञानेंद्रियों को कहती है कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन का मतलब लगे रहो, काम में लगे रहो, जो होगा सो देखा जाएगा, काम में लगे रहो, केवल वो इच्छा शक्ति आपके पास बचती है और आपके पास कुछ नहीं बचता है, लेकिन उसके बावजूद आप उस इच्छा शक्ति के दम पर अपना खोया हुआ प्रताप वापस प्राप्त कर लेते हो, अपनी खोई हुई लब्धियों को पुनर्जित कर लेते हो। इसका मतलब यह है दैट यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बींग अ परफेक्ट पर्सन, आप निश्चित रूप से एक अच्छा आदमी, एक पूर्ण पुरुष बनने की दिशा में अग्रसर हो। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, होता क्या है बच्चों जिंदगी में क्या है कि अभी आप छोटे हैं, तो अगर आपका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप बड़े अधिकारी बन गए, तो बड़े अफसरों के साथ आपकी उठ बैठ होगी। अगर आप मान लो छोटे मोटे आदमी रहे, तो छोटे मोटे लोगों के साथ आपकी उठ बैठ होगी। अब बच्चों बात यह है कि जब आप बड़े लोगों के साथ उठ बैठ करते हैं, तो छोटे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तभी तो टैगोर ने एक जगह गीतांजलि में कहा, ईश्वर मुझे इतना ऊपर भी मत उठाना कि तू नीचे से आवाज दे और मैं सुनू नहीं, और मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं नीचे से आवाज दूं और तू सुने नहीं, मुझे बीच वाले रास्ते पे रखना। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि बच्चों मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग, अति का बलान बोलना अति की बलीन चुप, और अति का बलान बरसना अति की बलीन धूप, माने अति सर्वत्र वर्जयते, अति हर जगह मनाए, अति से तो अमृत भी विष बन जाता है। जिस भोजन को आप ग्रहण करते हो, जो आपको जीवन की शक्ति प्रदान करता है, यदि आप भोजन भी बच्चों एक ही दिन में, जैसे आपकी डाइट 5 चपाती है और आपने 50 खा ली, तो क्या करेगा वो, तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा आपको, है ना। तो कोई भी काम आवश्यकता से ज्यादा बेहद जब आप करते हैं, तो आपको सिर्फ नुकसान कारित करता है, वो आपको कभी फायदा नहीं पहुंचाता है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके, तो बच्चों अपनी बात को आइए लेते हैं। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, क्राउड का मतलब बच्चों कई बार कहता हूं, डोंट अंडर एस्टिमेट ए कॉमन मैन, एक आम आदमी का मूल्यांकन कभी कम नहीं करना चाहिए। क्राउड का मतलब कॉमन मैन होता है। तो बच्चों यू शुड ऑल्सो रिमेन इन द टच ऑफ कॉमन मैन, आपको कॉमन मैन के टच में भी रहना चाहिए। अगर आप VIP लोगों के साथ रहते हैं तो रहो, लेकिन यदि कभी कॉमन मैन यानी आम आदमी के साथ रहने की नौबत आ जाए, कभी आपको आम आदमी की सोहबत में रहने की नौबत आ जाए, तो उस परिस्थिति के लिए आपको तैयार होना चाहिए और आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप हर हाल में अपने आप को क्या कर सकें, समायोजित कर सकें। वेयर एवर यू गो, जहां कहीं भी तुम जाओ, यू शुड बी एबल टू अडेप्ट योर सेल्फ टू द लोकल सर्कमस्टेंसेज, वहां की जो स्थानीय परिस्थितियां हैं के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता आप में होनी चाहिए। जो आदमी अपने आप को हर जगह समायोजित नहीं कर पाता है,
ही बिकम्स माल एडजस्टेड, वो बच्चों कुसमायोजित हो जाता है, फिर वो कुंठित हो जाता है, फिर वो तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए आप में क्या है, एडजस्ट एवरीवेयर, हर जगह अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ये गुण अपने आप में विकसित करना चाहिए। यू कैन टॉक विद क्राउड्स, यदि आप क्राउड से बातें कर सको एंड कीप योर वर्च्यू। होता क्या है बच्चों, कहते हैं कि संगत से रंग नहीं तो वर्ण जरूर आ जाता है। अगर आप खराब आदमी की संगत में रहते हो तो आप खराब आदमी बनते हो, आप अच्छे आदमी की संगत में रहते हो तो आप अच्छे आदमी बनते हो। तो बच्चों क्या है कि कुछ लोग जो वीआईपीज हैं उनका ये मानना है कि एक जज साहब मेरे जान पहचान वाले हैं, तो वो उनके बच्चे को कौन सी स्कूल में पढ़ाना है इस बाबत वो मुझसे सलाह मशवरा मांग रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप पास का स्कूल जो है इसमें आप पढ़ाएं, और क्या दिक्कत है, किसी भी स्कूल में पढ़ा लो। उनका कहना था कि साहब ये जो स्कूल है इसमें लेबर क्लास लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, और यदि हमारे बच्चे वहां जाएंगे तो उनके दोस्त भी फिर लेबर क्लास बच्चे ही बनेंगे। इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए आदमी की ऐसी सोच, हमें उन्हें क्या जवाब देता। तो मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों कि सज्जन भ्रष्ट नहीं होते हैं पाकर बड़ा कुसंग, और चंदन विश्वापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खराब आदमी में रह करके भी अपने वर्च्यू को कायम रख सकते हैं। मैत्री शरण गुप्त ने अपनी पुस्तक जयद्रथ वध में एक बहुत अच्छी बात कही है बच्चों, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बात यह है कि निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहो, दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ स्ट्रीम, ये दुनिया बच्चों एक धार है, ये नदियों की धार है, ये दुनिया धार है नदियों की। तो मैंने आपको कहा कि निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहो, पर नीर से नीरज सदृश उसे अलिप्त बने रहो। कमल बच्चों पानी में रहता है लेकिन पानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, पानी से वो निर्लिप्त रहता है। आप में यदि ऐसी क्षमता है दैट यू आर एबल टू टॉक विद क्राउड, ध्यान दो बच्चों, टॉक अबाउट, ध्यान देना मेरी बात पे। जब मैं आपको कहता हूं कि आई एम टॉकिंग विद यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि टॉक के बाद विद का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद है बच्चों आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। और बच्चों आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बातें कर रहा हूं, ये भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये सही है, सही है, गलत। फिर आप ये कहोगे साहब ये किताब में क्यों आ गई, ये गलत है क्या। देखो बच्चों ये व्याकरण के नियमों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड ग्रामर तो ये गलत है, लेकिन एक नोबेल पुरस्कार विजेता की गलती निकालने की जरूरत भी नहीं कर सकता हूं मैं। तो मैं सिर्फ इतना कहके अपनी बात खत्म करूंगा कि पोएट्री में बच्चों थोड़ी बहुत गलतियां स्वीकृत होती है। पोएट्री में कवि को अपना तुक सेट करने के लिए, अपना आइम्बिक पेंटामीटर मीटर वगैरह वगैरह बनाने के लिए उसको बच्चों कई बार क्या है जी गलती का प्रयोग भी करना पड़ता है। जैसे टैगोर ने अपनी कविता उपगुप्त, ठीक है ये बच्चों कविता टैगोर की बड़ी मशहूर कविता है, उपगुप्ता द यंग डिसिपल ऑफ बुद्धा। उपगुप्त जो भगवान बुद्ध के क्या थे, एक यंग डिसिपल अर्थात उनके एक शिष्य थे, और बाद में अशोक के गुरु बने थे, सम्राट अशोक जो थे उनके गुरु का नाम उपगुप्त था। इस कविता में बच्चों उन्होंने उपगुप्त की छाती के लिए ब्रेस्ट का प्रयोग किया है, जबकि आप सब जानते हैं कि बच्चों पुरुष की छाती के लिए तो चेस्ट आता है और स्त्री की छाती के लिए ब्रेस्ट आता है, जिसको हिंदी में वक्षस्थल कहते हैं। लेकिन बच्चों हिंदी में भी क्या होता है, कई जगह कई कविताएं ऐसी मेरी पड़ी हुई है जिनमें पुरुष के सीने के लिए वक्षस्थल का प्रयोग किया गया है। तो कविताओं में थोड़ी बहुत छूट होती है, बाकी जनरली बच्चों आपको परीक्षा की दृष्टि से टॉक विद कभी याद नहीं रखना चाहिए, टॉक टू याद रखना चाहिए। टॉक विद गलत होता है, टॉक टू सही होता है, मैरिड विद गलत होता है, मैरिड टू सही होता है। जैसे सोफिया वॉज मैरिड विद सैम, ये गलत है बच्चों, शुद्ध क्या होगा, सोफिया वॉज मैरिड टू सैम, यानी सोफिया को सैम से विवाहित कर दिया गया, सोफिया को सैम से विवाहित कर दिया गया। उसी तरीके से आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही है, परंतु आई एम टॉकिंग विद यू ये बिल्कुल गलत है, आई एम टॉकिंग विद यू ये बिल्कुल गलत है, ठीक है बच्चों। तो इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, इसका मतलब ये है कि इफ यू लिव इन द कंपनी ऑफ अ कॉमन मैन
यदि आप एक आम आदमी की सोहबत में रहते हैं, लेकिन बच्चों उसके बावजूद आप अपने जो वर्च्यूज हैं, वर्च्यूज जानते हो क्या होते हैं? वर्च्यू होते हैं बच्चों गुड क्वालिटीज। क्या बोला मैंने? वर्च्यूज का मतलब होता है गुड क्वालिटीज। उसके बावजूद आप अपने जो गुड क्वालिटीज या आपके जो सद्गुण है उनको कायम रखते हैं। आप जानते हो बच्चों चंदन जो है ना, चंदन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सैंडलवुड, तो सैंडलवुड के बच्चों स्नेक जो होते हैं, सांप को चारों तरफ लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन कभी विषैला नहीं होता है, फिर भी वो अपने वर्च्यूज को कायम रखता है। स्टिल इट मेंटेन्स इट्स वर्च्यूज। यहां बताया गया है इफ यू लिव इन द कंपनी ऑफ अ कॉमन मैन एंड यू आर स्टिल एबल टू मेंटेन योर वर्च्यूज, फिर भी आप अपने वर्च्यूज या अपने जो सद्गुण है उनको कायम रखने में समर्थ हैं, इसका मतलब बच्चों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बीइंग अ परफेक्ट मैन, इसका मतलब यह है कि तुम एक अच्छे पुरुष बनने की ओर अग्रसर हो और मुझे तुम पर फक्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे और देखें, इफ नाइदर फोज सॉरी इफ यू कैन टॉक विद क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू, ठीक है बच्चों, और वॉक विद किंग्स नॉर लॉस द कॉमन टच। और बच्चों आप मान लो कलेक्टर बन जाओ, तो बच्चों कलेक्टर बनोगे तो कलेक्टरों के साथ ही घूमोगे फिरोगे, और कलेक्टर जो होता है बच्चों वो बड़ा आदमी होता है, एक वीआईपी पर्सन होता है। तो यदि आप बच्चों राजाओं के साथ उठ बैठ करते हो, किन के साथ? अगर आप राजाओं के साथ उठ बैठ करते हो, इफ यू वॉक विद किंग्स, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इफ यू वॉक विद किंग्स का मतलब ये होता है इफ यू लिव इन द कंपनी ऑफ द वीआईपीज, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, यदि आप उनकी सोबत में रहते हैं, तो होता क्या है बच्चों कि जब एक आदमी बड़ा हो जाता है तो वो छोटे लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता। सपोज दैट इफ यू बिकम ए कलेक्टर, अगर आप एक कलेक्टर बन जाते हो और मेरा साथी मास्टर कोई अगर तुम्हारे पास किसी काम से आ जाता, मैं ही आ जाता हूं, और आप ये जानते हुए कि वो टीचर है जिन्होंने स्टूडियो में हमको लाइव प्रशिक्षण दिया था, फिर भी ये सोच के ये बहुत अंतर आ गया है, मैं कलेक्टर हो गया हूं, ये छोटा सा मास्टर है, और आप मुझे निग्लेक्ट करते हो, मेरी उपेक्षा करते हो, तो ये तो बुरी बात है। ये इसलिए नहीं कि आप मेरी उपेक्षा कर रहे हो, इसलिए नहीं है ये बच्चों, इसलिए है क्योंकि ये मानव मूल्यों के विरुद्ध है। इट इज अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज, ये मानवता के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। बात मेरी नहीं है, मैं समष्टि की बात कर रहा हूं, बात टीचर की नहीं है, किसी फटीचर की बात भी मैं आपसे कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि यदि आप राजाओं के साथ रहते हैं, स्टिल यू डोंट लूज द कॉमन टच, फिर भी आम आदमी से बराबर संपृक्त रहते हैं। आप बड़े बड़े वीआईपी राजा महाराजाओं की संगत में रहते हैं, उसके बावजूद जो गरीब और आम आदमी है उसका टच आपके अंदर बराबर है, अर्थात यू स्टिल यू डू नॉट लूज द कॉमन टच, यानी आम लोगों से कॉन्टेक्ट आप नहीं तोड़ते हैं। जैसे आप देश के इतने बड़े आदमी बन गए, तो आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं तोड़ना चाहिए जिन लोगों के कंधों पर सवार होकर के तुम उस मुकाम तक पहुंचे हो, जिन लोगों ने जो है तुम्हें इस बात की वजह दी है कि तुम कामयाब बनो। तो ऐसे जो आम आदमी है, उन आम आदमियों को अगर आप नहीं भूलते हो तो फिर तो ठीक है। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। और बच्चों एक बात और है, इस दुनिया में दो चीजें एक साथ चलती है, एक चलती है निंदा और दूसरी चलती है स्तुति। हमारी समस्या क्या है कि जब कोई हमारी स्तुति करता है, स्तुति का मतलब होता है बच्चों जब कोई हमारी बड़ाई करता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब कोई हमारी निंदा करता है तो बच्चों हमको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन आप इस बात को जानते हो कि ये जो गुरु नानक देव हैं, ये कहीं जा रहे थे तो जाते जाते एक गांव के लोगों ने इनकी खूब खातरदारी की, तब इन्होंने कहा उजड़ जाओ। दूसरे गांव में गए तो कई दुष्ट मिले इनको जो इनका अपमान कर रहे थे, इन्होंने कहा आबाद रहो। तो मर्दाना जो इनका शिष्य था उसे नहीं रहा गया, उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये आप क्या कहे, जो अच्छे लोग हैं उनको तो आप उजड़ने के लिए कहते हैं लेकिन खराब लोगों को आप आबाद रहने के लिए कहते हैं। तो फिर उन्होंने उसको कहा कि खराब लोगों को क्या है एक जगह ही रहना चाहिए, और अच्छे लोगों को क्या है कई जगह फैल जाना चाहिए ताकि वो अपनी खुशबू पूरी दुनिया में अच्छाई की खुशबू को फैलाएं। द फ्रेग्रेंस ऑफ देयर वर्च्यूज, अर्थात उनके जो वर्च्यूज की फ्रेग्रेंस है, सद्गुणों की जो खुशबू है उसे वो सर्वत्र फैलाएं। तो बच्चों कहने का मेरा मतलब यह है कि एक आया आपका फो मानी होता है, ठीक है, फो यानी दुश्मन होता है, एनिमी भी कहते हैं आप उसे, एनिमी। एक बच्चों आपका फ्रेंड, लविंग फ्रेंड यानी आपका प्रिय दोस्त है,
अब ये प्रिय दोस्त तो आपकी स्तुति करता है, आपकी चापलूसी करता है, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलता है, और आपका दुश्मन आपके लिए हमेशा बुराइयां करता है। तो बच्चों, कबीर ने बहुत अच्छा कहा, ये निंदक निहरे राजी आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। तो कवि ये कहता है कि यदि निंदा और स्तुति दोनों तुम्हारे लिए एक हो, इसका मतलब तुम्हें कैसा होना चाहिए, तुम्हें बच्चों समदर्शी होना चाहिए। मैंने पहले भी ये शब्द बताया बच्चों, समदर्शी को द्वंद्वातीत कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्टोइक। यानी इफ यू बिकम स्टोइक, यदि आप स्टोइक बन जाते हो, एंड नाइदर इसको क्या बोलते हैं, जैसे एडमिरेशन, नाइदर एडमिरेशन का मतलब होता है बच्चों न तो प्रशंसा, नॉर क्रिटिसिज्म और न आलोचना, सीम टू अफेक्ट यू, अर्थात इनमें से कोई भी तुमको जब अफेक्ट नहीं करता है, तुमको कोई प्रभावित नहीं करता है, तब आप क्या बन जाते हैं, स्टोइक बन जाते हैं। और यदि आप स्टोइक हैं, यानी अर्थात न तो दुश्मन और न आपके प्रिय मित्र तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, यानी जब दुश्मन तुम्हारी बुराई करते हैं तो तुम आहत नहीं होते हो, और दोस्त जब तुम्हारी बड़ाई करते हैं तो तुम चने के झाड़ पर नहीं चढ़ते हो, तुम समदर्शी हो गए हो, तुम द्वंद्वातीत हो गए हो, तुम बच्चों स्टोइक हो गए हो। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। इफ ऑल मैन काउंट विद यू, इफ ऑल मैन काउंट विद यू का मतलब होता है इफ ऑल मैन आर रेस्पेक्टेड बाई यू इक्वली, अगर आप सभी लोगों का जो है बराबर बराबर सम्मान करते हैं, सब लोगों का बराबर सम्मान करते हैं, बर्नन टू मच, परंतु किसी का आवश्यकता से ज्यादा नहीं करते हैं। आपको सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट एवरीवन इक्वली, तुमको हर आदमी का बराबर सम्मान करना चाहिए, एंड नन शुड बी रिस्पेक्टेड टू मच, और किसी एक व्यक्ति का इतना सम्मान नहीं करना चाहिए कि आप उसको क्या कर दो, आइडोलाइज कर दो। आइडोलाइज का मतलब होता है कि इंसान को भगवान मानना शुरू कर दो, किसी व्यक्ति को आइडोलाइज नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को बच्चों जो है इंसान को भगवान का दर्जा किसी सूरत में नहीं मिलना चाहिए। इफ यू कैन फुलफिल द अनफॉरगिविंग मिनट, देखो बच्चों ये समय है, अब इस समय में आप तो जानते हो बच्चों कि जैसे आप जानते हो एक मिनट होती है, उस एक मिनट के अंदर कितने 60 सेकंड होते हैं, आपको बच्चों एक एक सेकंड का हिसाब देना चाहिए, क्योंकि समय किसी को क्षमा नहीं करता है। समय कैसा होता है बच्चों, मैंने कहा वक्त उस बहते हुए दरिया की मानिंद है जो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। समय किसी को क्षमा नहीं करता। अनफॉरगिविंग मिनट्स का मतलब होता है न माफ करने वाली जो मिनटें हैं, न माफ करने वाले जो पल हैं, आपको एक एक पल का क्या करना है, हिसाब देना है। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। अक्षमाशील समय, अक्षमाशील समय कि प्रत्येक मिनट को बच्चों, प्रत्येक मिनट की जो को एक एक सेकंड से आप भर सकते हो, यानी हर सेकंड आपने क्या अच्छा काम किया है, आपने क्या अच्छा काम किया, अगर आप उसका ब्यौरा देने में समर्थ हैं। वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन का मतलब होता है बच्चों, आप जानते हो वर्थ यानी क्या होता है, कीमत। तो वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन का मतलब होता है डिस्टेंस यानी सुदूर, और रन का मतलब क्या होता है, तो रन का मतलब बच्चों दौड़ना होता है। तो कहने का मतलब उनकी जो सुदूर दौड़ है, उस सुदूर दौड़ की कीमत के रूप में यदि जो प्रत्येक 60 सेकंड है, उस प्रत्येक मतलब कि एक मिनट के अंदर जो प्रत्येक 60 सेकंड होती है, उस प्रत्येक 60 सेकंड का अगर तुम क्या दे सकते हो, हिसाब दे सकते हो, तो योर्स इज द अर्थ। तो बच्चों समझ लो, द अर्थ इज योर्स, यानी ये पृथ्वी किसकी है बच्चों, ये पृथ्वी तुम्हारी है। सकल पदार्थ है जगमाही करमहीन नर पावत नाही। अगर आप बच्चों समय के इतने पाबंद हो, इस पंक्ति का मतलब यह है कि यू शुड बी पंक्चुअल, तुमको समय का पाबंद होना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, तुम्हें अपने बेशकीमती वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे पास पल पल का हिसाब है, हर पल यदि तुमने कोई अच्छा काम करने में गुजारा है, देन द अर्थ इज योर्स, तब बच्चों समझ लो ये पृथ्वी तुम्हारी है। ये पृथ्वी क्यों बच्चों, ये आकाश भी तुम्हारा है। दिनकर अपनी कविता में लिखता है कि दिनकर अपनी कविता में बच्चों एक लाइन लिखता है कि स्वाधीन पुरुष की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, स्वाधीन पुरुष की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, रोटी क्या ये अंबर वाले सारे सिंगार मिल सकते हैं। गौरव की भाषा सीख नई, भिकमंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने की अंदाज बदल। तो बच्चों यह है कि आपको धरती के नहीं अंबर के श्रृंगार भी मिल सकते हैं, लेकिन आप में ये सारे वर्च्यूज, ये सारे गुण जो हमने बताए वो होने चाहिए।
Yours is the earth, तो पृथ्वी तुम्हारी है, and everything that's in it, और वह सब कुछ जो इस पृथ्वी पर है वो सब तुम्हारा है. पृथ्वी पर बच्चों बहुत कुछ है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही. इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन जो निकम्मे हैं, जो कर्महीन हैं, जो निष्क्रिय हैं, दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई दोज मटेरियल्स. उन तमाम मटेरियल्स को बच्चों जो कर्महीन लोग हैं वो पाने में समर्थ होते हैं. एंड विच इज मोर, यू विल बी ए मैन माई सन. और इन सबसे बढ़कर एंड अबाउ ऑल, एंड विच इज मोर का मतलब होता है बच्चों एंड अबाउ ऑल, और इन सब से बढ़कर ये पृथ्वी तुम्हारी होगी, ये आकाश तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा. लेकिन बच्चों कवि कहता है कि इन सब से बढ़कर तुम क्या बनोगे, यू विल बिकम ए ट्रू मैन, यू विल बिकम ए परफेक्ट मैन माई डियर सन. बच्चों कवि लास्ट में अपने बेटे को संबोधित कर रहा है, देखो क्या लिखा उसने, माई सन. और बच्चों अंत में ये चिन्ह आ रहा है, ये वोकेटिव केस कहते हैं इसे. कौन सा केस कहते हैं इसे, इसे वोकेटिव केस कहते हैं. तो बच्चों अंत में संबोधन कारक में कवि अपने बेटे को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ माई डियर, ओ माई लविंग सन, अर्थात जी मेरे प्रिय बेटे, ये सब चीजें तो अपनी जगह हैं, ये सब चीजें तो अपनी जगह हैं, परंतु सबसे बड़ी बात जो होगी वो क्या होगी, दैट यू विल ग्रो टू बी ए परफेक्ट मैन, कि तुम बनोगे एक अच्छे इंसान बनोगे तुम. न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. तो बच्चों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर तुम एक सच्चे इंसान बनोगे, यदि ये सारी क्वालिटीज, ये सारे गुण जो मैंने तुम्हें बताए हैं, इफ यू आर एबल टू कल्टिवेट, इफ यू आर एबल टू डेवलप, इफ यू आर एबल टू डेवलप ऑल दीज वर्च्यूज इन योर पर्सनैलिटी, यदि तुम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अपने व्यक्तित्व में इन सारे गुणों को विकसित करने में समर्थ हैं, देन देर इज नो डाउट इन इट, फिर इसमें कोई संदेह नहीं है दैट यू आर गोइंग टू ग्रो, यू आर गोइंग टू ग्रो इन द फॉर्म ऑफ अ परफेक्ट मैन. तुम निश्चित रूप से एक पूर्ण पुरुष के रूप में क्या होने जा रहे हो, बड़े होने जा रहे हो. तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये जो पोएम है आपकी, ये पोएम भी आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है. तो अगर बच्चों ये पोएम भी कंप्लीट हो गई है तो आप ये समझो कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट हो गई है. सब कुछ सारे चैप्टर्स बच्चों इसके कंप्लीट हो गए हैं. अब बात आती है लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं. तो लिटरेरी टर्म्स में बच्चों फिगर ऑफ स्पीच भी आते हैं, कुछ लिटरेरी टर्म्स भी हैं. तो आज की बात तो बच्चों यही समाप्त, और जो आगे वाली बात है लिटरेरी टर्म्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, इन बिंदुओं के ऊपर बच्चों हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे. बच्चों नमस्कार.